बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक माहरे नफ्सियात के मुताबिक नफ्सियात कहती है कि अगर कोई शख्स बाआसानी रोता नहीं है तो वह अंदर से बहुत कमजोर है। अगर आप बेतहाशा खाते हैं तो आप अंदर से बहुत परेशान हैं। अगर आपको पानी या बुलंदी से डर लगता है तो आप आसाबी कमजोरी का शिकार हैं। आपका दिमाग नींद में भी ये महसूस कर सकता है कि कोई आपके पास खड़ा आपको घूर रहा है। 90% लोग मस्जिद पर जो बात करते हैं वो आमने सामने वही बात करने की जुरत नहीं करते, बल्कि शर्म महसूस करते हैं। जब कोई आपका नाम पुकारे और आप फौरन जवाब दें तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। आम तौर पर लोग सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जो शख्स सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो अक्सर तन्हाई महसूस करता है। रात को नींद ना आने का मतलब यह है कि आप किसी के ख्वाब में जाग रहे हैं। शर्मीले लोगों की दूसरे लोगों की निस्बत मुशाहिदा करने की सलाहियत ज्यादा होती है, लिहाजा ऐसे लोग मसले को अच्छी तरह समझ लेते हैं। अच्छी तरह से आराम करने वालों का चेहरा नींद से महरूम लोगों से ज्यादा जवान और पुरकशिश लगता है। जब आप किसी को अपनी कामयाबी के बारे में बताते हैं तो 70% लोग जरा बराबर भी दिलचस्पी शो नहीं करते। अलबत्ता अगर आप अपनी नाकामी या दुख का किस्सा शेयर करते हैं तो मुकम्मल कहानी जानने के लिए सब बेकरार रहते हैं। जज्बात दर्द जिस्मानी दर्द से ज्यादा याद रहता है और आपके रवैये पर असर ज्यादा डालता है। कसरत से झूठ बोलने वाले झूठ पकड़ने में माहर होते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी। अल्लाह पाक हमें अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।